दोस्तों नमस्कार, मैं दितेश आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। और आज हम लोग हैं तरबूज के खेत में, यानी खरबूजा जो आप लोग अभी गर्मी में खाने वाले हैं उसके खेत में हैं। और इसकी हम लोग जानकारी देने वाले हैं, फार्मर वही पुराने हैं, बहुत एजुकेटेड बहुत जानकार फार्मर हमारे साथ में जुड़ेंगे। कुछ जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो बीज वेराइटी है उनके बारे में ए टू जेड जानकारी इसमें करने वाले हैं। कौन से महीना इसके लिए बेस्ट होता है लगाने के लिए, कौन सा महीना उगाने के लिए और कौन से महीने में हार्वेस्टिंग के लिए, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। और जो भी व्यूवर्स इनको देखे होंगे पहले भी कई वीडियो में, ये हमारे साथ में आए हुए हैं। और स्वागत करता हूँ मैं धनेश्वर जी आपका मेरे चैनल पे। मुझे बताइए आप लोग ये तरबूज जो आपने लगाया जी, तो सबसे पहले ये बताइए कि एकदम बिल्कुल आप गांव में हैं। गांव यानी कि दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये बिल्कुल रोड वोड बहुत अच्छे कंडीशन नहीं है, उसके अंदर में गांव में ये खेती कर रहे हैं और बहुत बड़े स्तर पे खेती कर रहे हैं। बहुत अच्छे फार्मर हैं, नॉलेज बहुत है इनको। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे सारी डीप से डीप बातें करें, अच्छे से अच्छी जानकारी सामने लेकर के आए। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि कितने एकड़ में आपने तरबूज लगाया? 17 एकड़ में लगाया। करीब 17 एकड़ में जी। और पूरी एक ही वेराइटी लगाया आपने? नहीं, 3 वैरायटी लगा है। तो वो कौन कौन सा हुआ? एक सागर किंग जी, और एक सिजेंटा का अगस्ता। हाँ, और एक रेड सिजेंटा का। हाँ, तो ये तीनों में सबसे अच्छा जो क्वालिटी है वो कौन सा है यार? क्वालिटी तो खैर अपने में देखा जाए तो सिजेंटा कहीं अगस्ता ठीक ठाक है। अगस्ता। और ये आपने पहले भी लगाया था? हाँ, पहले भी लगाया था जी। और हम लोग बात करें कि जो अभी सबसे कठिनाई आती है इसमें, क्योंकि आपने हमने पहले भी आपके साथ में बात किया और हमें पता चला कि इसको ठंड में आपने लगाया था, जिस समय आपने लगाया उस समय ठंड थी। हाँ, 7 फरवरी को लगाया था जी, ठंड था उस समय। तो उससे कैसे बचाते हैं उस समय? उस समय मैनेज हो जाता है सल्फर वगैरह से। अच्छा, हल्का फुल्का जैसे ठंडी ज़्यादा नहीं रहता है फरवरी में, उससे मैनेज कर लेते हैं। उसको गर्मी देते हैं? गर्मी देते हैं। एक चीज़ और जानकारी ये दीजिए कि इसमें आपने खाद क्या क्या इस्तेमाल किया बेसल में, जो आपने पहले शुरुआती दौर से अभी तक का? खाद में अपन भैया 2 टाली लगभग गोबर डाले थे, और 2 बोरा सुपर, और पोटास, DAP, जाइम। इसका जो परसेंटेज रहता है वो आपको जानकारी अगर हो तो आप बताना चाहें। परसेंटेज मतलब कितना कितना ये डाले मिला करके? दो बोरी सुपर डाल दिए। ये प्रति प्रति एकड़ पे? प्रति एकड़। हाँ, 2 बोरी सुपर और 25 किलो लगभग पोटास, 1 बोरी DAP और रिजेंट 5 kg। अच्छा, 1 बाल्टी जाए 10 kg। ये आपका खाद तैयार? खाद तैयार हो गया। और 2 ट्रॉली जो आपने बताया काउडंग या गोबर, हाँ, वो प्रति एकड़ में? प्रति एकड़ पे। प्रति एकड़ में। और लगभग पूरा मिला के जो कॉस्टिंग है वो 50,000 के आसपास? 40 से 50,000 पर एकड़ है जी। धनेश्वर जी और बताइए ना, जरा सा मुझे जानकारी दीजिए कि अगर हम लोग प्रति एकड़ का लागत हम लोग अगर जानना चाहें, एकड़ यानी कि आपने 15-20 एकड़ जितने में भी लगाया 17 एकड़ में, तो प्रति एकड़ का खर्चा आपके पास में कुछ होगा एस्टीमेट कि कितना आपको लगा? 40 से 50,000 रुपया प्रति एकड़ खर्चा हो जाएगा। इसमें ये मल्चिंग और ड्रिप? हाँ, ड्रिप का तो अलग रहता है ये, तो क्योंकि आपको बाद में भी यूज़ होगा। हाँ, बाद में भी यूज होता है। मल्चिंग का और खाद है, लेबर चार्ज है, बीजा है, सबका मिला जुला के 40 से 50,000। 40 से 50,000 रुपये लग जाता है। और बात करें आमदनी की तो लगभग कितना जाएगा अगर आप बताना चाहें, और अगर नहीं बताना चाहें तो आप टनेज में बता दीजिए कि लगभग प्रति एकड़ में कितना हार्वेस्टिंग हो सकता है? नहीं, इस बार क्या है कि फसल तो ठीक ठाक है नहीं। अच्छा। मौसम के ऊपर नीचे का अप डाउन के चक्कर में इस बार तो मेरे को लगता है ज़्यादा नहीं जाएगा, 18-20 के बीच में ही रह जाएगा। टनेज की बात कर टन पे, ये टन पे। अगर रेट अच्छा मिलता है तो हो सकता है कुछ अच्छी आमदनी हो। इनका कहना है कि फसल बहुत अच्छा नहीं हो पाए मौसम के वजह से। जो हम लोग इसमें देखते हैं जो पौधे से पौधे की दूरी है उसके बारे में एक बार बताइए ना। पौधे की दूरी तो 100 फीट पे भैया, पौधा से पौधा की दूरी जो ड्रिप का जो दूरी रहता है लगभग 100 फीट पे, और मादे की दूरी है 5.5 फीट एक लाइन से एक लाइन। हाँ, 5.5 फीट 5.5 फीट। और जो पौधा से पौधा दूरी है वो 1.5 फीट 1.25 फीट 1.25 फीट। और इसमें लगभग कितने तने निकले हैं वो अगर हम लोग जानना चाहें? तने करीब 7-8 एक में, 7 से 8। हाँ, 7 से 8। और ये तीनों वैरायटी में बराबर निकला? नहीं, उसमें सागर किंग में थोड़ा ज़्यादा आया है, 10 के आसपास। हाँ, 10 के आसपास सागर किंग में थोड़ा ज़्यादा आया है, और सिजेंटा में 7 से 8। हाँ, 7-8 तना आया है जी। लोग इसके तने को एक बार अगर गिनती करें तो लगभग कितना तना निकला है वो एक बार मुझे बताइए ना। एक
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करीब 7 तने निकले हैं। और ये वैरायटी है आपका अगस्ता। अगस्ता, अच्छा। इसमें जो आपने प्लांटेशन के बाद में आपने इसको शायद रायपुर से परचेज किया था जैसा मैं जानने की आपसे पहले बात हुई थी, तो उसके बाद में सबसे पहले आपने जो इसमें मेडिसिन चलाया, दवाई चलाया, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। हाँ, इसको रायपुर से अपन पौधा मंगवाए थे। हाँ हाँ। और पौधा बनवा के रायपुर से चौड़ाबाग से, और इसको ला के अपन टिपिक किए हैं करीब 7 तारीख को, 7 फरवरी को। और दवा में सिजेंटा अपन लिए थे भैया, सिजेंटा का रिडोमिल गोल्ड, यूपीएल का उसका M45। और इसको आपने पहले चलाया? हाँ, पहले चलाया था। और इसका जो पानी देना है, जो इसमें आप लोग ड्रिप से पानी देते हैं, वो लगभग कितने दिन के बीच बीच में पानी देते हैं? पानी तो डेली चलाते हैं, आधे पौन घंटे में सबको थोड़ा थोड़ा पानी मिल जाता है। इस बार फल में भैया बढ़िया से सेव नहीं हो रहा है, मतलब टेढ़ी टेढ़ा हो रहा है, मतलब फल में थोड़ा सा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो। हाँ, प्रॉब्लम दिख रहे हैं, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, जबकि सही है एकदम, खाद उद का सब शेड्यूल एकदम बेहतरीन है, इसके बाद भी थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है फल, मतलब बढ़िया सेव नहीं है। तो ये अभी पता नहीं चल पा रहा है कि क्या प्रॉब्लम है इसमें? कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान का कमी बताते हैं। ये नए खेत होने की वजह से हुआ? नहीं, नए खेत का तो नहीं बताते हैं, इसमें मरने का शिकायत था, पौधा बहुत ज़्यादा मर रहा था तेज़ी से जी। और उसके कारण मतलब थोड़ा सा केमिकल ज़्यादा चल गया है। हाँ। तो हो सकता है उसी का कारण होगा, जिसमें अभी ये किसी किसी फल में हम लोग देख रहे हैं थोड़ा मोड़ा गड़बड़ शेप। हाँ, बढ़िया सेव नहीं हुआ है, कहीं कहीं मतलब दिक्कत है, तो हो सकता है केमिकल ज़्यादा अपन चल गया है, केमिकल के कारण हो सकता है। हम लोग बात करें कितने दिन का ये पौधा है, तो लगभग ये तो अपन पौधा ज़्यादा दिन का हो गया है, 50 दिन तो लगे हो गया है। टीपी किए हैं मान लीजिए 7 फरवरी को, अब आज 28 मार्च हो गया, यानी कि लगभग लगभग 50-52 दिन का। हाँ, 50 दिन का समथिंग हो गया। एक महीना पहले का पौधा था, मतलब दिसंबर में हुआ था, 31 दिसंबर को थारा हुआ था, अब आया है पौधा 3 फरवरी को, यानी काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है इसको। हाँ, काफ़ी लंबा टाइम। अभी हार्वेस्टिंग में अभी इसको 10 से 15 दिन का, करीब करीब 20 दिन लगभग, 20 दिन अभी और लगेगा। हाँ, 20 दिन अभी और लगेगा। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि इनका जो नंबर है वो मैं संडे टू संडे डिस्क्रिप्शन में दिया करूंगा, अगर आप लोगों को कोई जानकारी चाहिए तो आप इनसे ले सकते हैं, लेकिन रेगुलर फ़ोन मत करिएगा, किसी को एकदम इमरजेंसी होगी तो इनसे बात करिएगा। धनेश्वर जी, आप एग्री हैं क्या नंबर के लिए? हाँ, एक दिन लगाएंगे संडे को तो। हाँ, संडे हम लोग बात करेंगे। क्या है, देखो हर फार्मर बिजी हैं, लेकिन ना इशू अगर आप एक दूसरे को से बात करके अगर सॉल्व हो सकती है तो एक बहुत अच्छी बात होगी। धनेश्वर जी, आप मेरे वीडियो में आए, बहुत अच्छा लगा, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे, और मैं चाहूँगा कि बहुत अच्छे से ग्रो करिए, बहुत अच्छे अच्छे फसल लाइए, और लोगों को आप जैसे जागरूक कर रहे हैं, अपनी जानकारी दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भैया जी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिए। कैसा लगा आपको ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। कोई आपको सवाल, सुझाव या शिकायत है तो कमेंट करिए, हम उस पर बिल्कुल काम करेंगे। और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।